हाय गाइस, कैसे हैं आप? मैं मोनिका और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुक विद मोनिका। दोस्तों, आज बड़ी क्रिस्पी और इंस्टेंट रेसिपी है, इंस्टेंट स्नैक्स बना रहे हैं हम। बहुत जल्दी बनेंगे, बिना मेहनत के बनेंगे। हम बना रहे हैं हैश ब्राउन्स। इनमें अंडा भी नहीं पड़ने वाला और ये बिना अंडे के बहुत ही क्रिस्पी और अच्छे बनेगी रेसिपी। आप देख सकते हैं कितनी कुरकुरी है। इसे बनाने के लिए आपको ना आलू उबालने हैं ना पहले से कोई तैयारी करके रखनी, बस फटाफट से बनाइए। बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन है, अचानक से गेस्ट आ गए, तो ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आने वाली है। तो देर नहीं लगाते, चलिए बना लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आलू। देखिए, आलू ये कच्चे हैं, इन्हें मैंने पहले से उबाला नहीं, बस कच्चे आलू लीजिए। इसे छील लीजिए और छीलने के बाद हम इन्हें कद्दूकस करने वाले हैं। आप मीडियम ग्रेटर या फिर थोड़ा बड़ा ग्रेटर ले लीजिए, मीडियम रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है, जैसा है आपके पास ले लीजिए। तो इन्हें कद्दूकस करेंगे और आप कद्दूकस करने के लिए इन्हें डायरेक्टली पानी में कद्दूकस कर सकते हैं या फिर आप किसी प्लेट में कद्दूकस कीजिए और इन्हें पानी में डाल लीजिए। और पानी में फ़ौरन डालिए क्योंकि आलू क्या है, काला पड़ जाता है। और हम इसे पानी में डाल रहे हैं, नॉर्मल पानी है, इसमें भी नमक या कुछ नहीं मिलाया, बस पानी में आप इन्हें डाल दीजिए ताकि इनका स्टार्च भी निकल जाए। बस इसे हम पानी से एक बार निकाल लेते हैं और फिर ठंडे पानी में ट्रांसफ़र करेंगे ताकि हमारे हैश ब्राउन जो हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी और टेस्टी बने। तो इन्हें बस आप क्या कीजिए, निचोड़ लीजिए और ठंडे पानी में डाल दीजिए। ये भी सादा पानी है, बस बर्फ़ डालकर खूब अच्छे से ठंडा कर लिया है मैंने, इसमें नमक कुछ नहीं मिलाया मैंने। अब सभी आलू को अच्छे से स्क्वीज़ कीजिए ताकि स्टार्च निकल जाए और पानी में डाल दीजिए। ये जो पानी बचा हुआ है इसे हम गिरा देते हैं और ये अब किसी काम का नहीं है। तो चलिए, अब पोटैटोज़ हमारे बहुत अच्छे से ठंडे पानी में हमने रखे हुए हैं, इन्हें ज़्यादा देर ना रखिए, 2 से 5 मिनट काफ़ी है। और फिर इन्हें भी आप छान लीजिए, आप किसी कपड़े से निचोड़ सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह से छानने में डालिए और इस तरीके से दबा कर निचोड़ लीजिए ताकि इनका जो पानी है निकल जाए। बहुत ज़्यादा निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, बस इस तरीके से देखिए खिले खिले हमारे ग्रेटेड आलू जो हैं हमने तैयार कर लिए। अब इनसे हम हैश ब्राउन्स बनाने वाले हैं, लेकिन इनमें खूब अच्छे से हम थोड़े थोड़े मसाले डालेंगे और बहुत ही साधारण मसाले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। थोड़ा सा हरा धनिया रखा है तो वो डालिए, आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, हरा धनिया और साथ में चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स से टेस्ट भी अच्छा आता है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस मिलती है लेकिन माइल्ड होती है, ज़्यादा तीखी नहीं होती और दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। और साथ ही फ्लेवर को और बढ़ाने के लिए मैं इसमें लहसुन ऐड कर रही हूँ, तो इसमें 2 कलियाँ लहसुन की ऐड कर रही हूँ। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो आप अवॉइड कीजिए, अगर खाते हैं तो ज़रूर ऐड कीजिए। तो देखिए, मैंने लहसुन को भी इस तरीके से बारीक ग्रेटर से ग्रेट करके ऐड कर दिया है। अब इसमें नमक ऐड करने वाले हैं। देखिए कितना सिंपल है ना, ज़्यादा मसाले नहीं पड़े लेकिन इसका टेस्ट जो होगा बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो मैंने इसमें नमक भी ऐड कर दिया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए और सभी चीज़ों को आप पहले अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब मैं इसमें मैदा मिलाने वाली हूँ, यानी रिफाइंड फ्लावर ऐड करेंगे ताकि आलूओं की अच्छे से बाइंडिंग हो जाए, आपस में जुड़ जाएँ। तो आप इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच मैदा मिलाइए, डिपेंड करता है आलू आप कौन से ले रहे हैं। कि आलू ज़्यादा पानी छोड़ते हैं तो हो सकता है आपको मैदा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। आप थोड़ा थोड़ा करके ऐड कीजिए और हाथ से मिक्स कीजिए और इतनी देर तक मिक्स कीजिए कि ये मुठियाँ बनने लगें, इसकी चिपकने लगें। देखिए आलू आपस में जुड़ने लग गए, बस इतना ही मैदा मिलाना है, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाना। अब क्या करेंगे, एक तरफ तवा रखेंगे हल्की आंच पर गर्म होने के लिए, दूसरी तरफ हम इस तरीके से इसे शेप दे रहे हैं। मैं इसे आयताकार यानी रेक्टेंगुलर शेप में बना रही हूँ, आप राउंड या ओवल भी बना सकते हैं। देखिए तवा लिया है नॉनस्टिक और उस पर हल्का सा तेल लगाने वाले हैं और आँच को हम कम रखेंगे क्योंकि हम तेज़ आँच पर जैसे ही डाल देंगे तो आलू ब्राउन हो जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। देखिए इसे इस तरीके से थोड़ी हाथ से शेप दीजिए और तवे पर डाल दीजिए। आप किसी पलटे से भी इसे शेप दे सकते हैं तवे पर डालने के बाद, नहीं तो हाथ से भी दे सकते हैं। तो देखिए एक तो हमने बना लिया है और जब ये थोड़ा सा सिक जाएगा तो इसे खिसका देंगे एक तरफ और फिर हम दूसरा डाल देंगे। इस तरह से हम 5 से 6 हैश ब्राउन्स एक साथ बना सकते हैं, इससे समय की भी बचत होगी और जल्दी भी बनेंगे। देखिए इस तरीके से एक और मैंने बना लिया और इसे मैं पलटे से थोड़ा सा फ्लैटन करके शेप दे रही हूँ और ये देखिए कितने बढ़िया, ये भी जैसे ही बन जाएगा ये तवे से छूट जाएगा तो इसे भी खिसका देंगे, एक और डाल देंगे। अब इन्हें पलटना भी है तो हल्का सा तेल लगाएंगे पहले और फिर पलटेंगे ताकि जब हम पलटें तो ये दूसरी तरह से भी कुरकुरा हो जाए। अगर आप डाइट कर रहे हैं, तेल नहीं डालना चाहते, तो बिना तेल के भी बना सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने ये वाला ऐड किया था और इसे पलट दिया है और एक साथ मैं 5-6 बना रही हूँ। मैंने सभी आलुओं के हैश ब्राउन्स बना लिए और आँच कम रख रही हूँ। हम इन्हें 10 मिनट तक कम आंच पर सेकेंगे, 10 मिनट में हमारे आलू जो हैं बहुत अच्छे से गल जाएंगे और फिर हम आँच को बढ़ा देंगे। 10 मिनट तक इन्हें अच्छे से पकाने के बाद हम इन्हें थोड़ा कुरकुरा करना चाहते हैं, इसके लिए अब आप आँच को बढ़ा दीजिए,
देखिए इस तरह से आँच थोड़ी बढ़ाइए और इन्हें फटाफट से सेक लीजिए। बहुत जल्दी से इनका कलर जो है कुरकुरा और भूरा हो जाएगा, तो इसलिए आप ध्यान रखिए और फटाफट से जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो इन्हें प्लेट में निकालिए। देखिए कितना बढ़िया सा बन के रेडी है, क्रिस्पी क्रिस्पी पोटेटोज़ आपको दिख रहे हैं। खाने में तो होगा ही बहुत बढ़िया, कुरकुरा टेस्टी तो होगा ही। तो इस तरह से सभी बनाइए, निकालिए गर्मा गर्म और सर्व कर दीजिए। ये देखिए हमारे हैश ब्राउन्स फटाफट से क्विक क्विक बन के रेडी हो गए हैं। आप इन्हें बिना उबाली गई आलू की टिक्कियाँ भी कह सकते हैं, राउंड बनाइए, आलू की टिक्कियाँ बोल दीजिए, बहुत ही बढ़िया बनी है। और आप इसे ट्राई कीजिएगा, बच्चे आलू टिक्की बर्गर पसंद करते हैं तो आप बर्गर बन में लगा सकते हैं, यूँ भी खा सकते हैं। ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है रेसिपी, बच्चों के साथ बच्चों के बड़ों को भी पसंद आती है। देखिए कुरकुरे से हमारी रेसिपी बन के रेडी हो गई है और टेस्ट टेस्ट में मैं दो खा गई, इतने टेस्टी लग रहे हैं गर्मा गर्म खाने में। केचप लगाइए और खा लीजिए, यूँ भी खा सकते हैं, चाय बनाइए खा लीजिए। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और हाँ, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।